Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of The Hindu. Today, the date is 26th August, so let's get started. First news is with respect to attacking Hezbollah, Israel fighter jets launch strike across Lebanon. मैं मैप दोबारा नहीं समझा रहा क्योंकि हम काफी बार उसकी बात कर चुके हैं. मैप राइट, जैसे इधर इसराइल है, यहाँ पर गाजा है जहां पे ऑलरेडी एक वॉर चल रही है, ऊपर है लेबनन और लेबनन में ही बेस्ड है हिजबुल्ला. दूसरी तरफ है ईरान, गाजा में हमारा बेस था हमास राइट. नीचे यमन आ जाता है, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो अब तक ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, वहां पे हाउदी रेबल्स हैं राइट. अब लेबनन यहां पर इसराइल ने हिजबुल्ला के एक ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर फौद शुकर, उनको असैसिनेट कर दिया था और उसके रिवेंज में हिजबुल्ला ने कहा था वी विल अटैक इसराइल. ठीक है. सिमिलरली ईरान में हमास के एक मॉडरेट लीडर हुआ करते थे मिस्टर हनी, उनको असैसिनेट कर दिया गया था तेहरान, उनकी ईरान की कैपिटल में ही किल किया गया उनको. तो इसलिए इसराइल पर इस वक्त डबल थ्रेट मंडरा रहा है, एक हिजबुल्ला की तरफ से और दूसरा ईरान की तरफ से. तो यहाँ पे इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्ला रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह की तैयारी कर रहा था हम पर अटैक करने की, तो हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, रिटेलिएट पहले ही उन पर अटैक कर दिया टू डिस्ट्रॉय दैम. ओके, उसी के रिस्पेक्ट में ये न्यूज है. The Israeli military said it struck because Hezbollah was planning to launch a heavy barrage of rockets and missiles. ठीक है, इसके रिवेंज में फौज शुक्र की किलिंग के रिवेंज में. दूसरा, गाजा साइड पर क्या हो रहा है? तो गाजा साइड पर इजिप्ट होस्टिंग हाई लेवल टॉक्स एम्ड एट ब्रोकरिंग ए सीज फायर इन द 10 मंथ ओल्ड इसराइल हमास वॉर इन गाजा विच डिप्लोमेट्स होप विल टेम डाउन द रीजनल टेंशन. अब इजिप्ट की टेंशन ये है, पहली बात तो कि इसराइल ने गाजा को ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट सिटी तक अफेक्ट कर दिया है, तो अब वहां से जो और रेफ्यूजी आगे बढ़ेंगे तो वो सिर्फ इजिप्ट में ही आ सकते हैं क्रॉस करके. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज कि जो सीज फायर नेगोशिएट किया जा रहा है बिटवीन हमास एंड इसराइल, उसमें इसराइल ने डिमांड रखी है कि हमें यहां पर इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर लगती है गाजा की, उसको इसराइली फोर्सेज गार्ड करेंगी और वो इजिप्ट के लिए फिर टेंशन बन जाएगा. ओके, तो इजिप्ट नहीं चाहता कि इजरायली फोर्सेस उसकी बॉर्डर तक आए. इजिप्ट और गाजा के बीच में जो बॉर्डर है वो वैसे ही रहे, यही इजिप्ट की कोशिश है इस सीज फायर नेगोशिएशन में. ओके, तो ये तीन चार बातें हैं जो हम पिछले कई दिनों से रेगुलर कर रहे हैं, तो उसमें दोबारा नहीं जाते हैं. चलिए, इंडिया टू टेक फ्लाइट ऑफ स्ट्रैंडेड सिटीजन इन साओ पाउलो विद ब्राजील मिनिस्टर. अब आपने डंकी मूवी देखी होगी, उसका कंसेप्ट यही था कि लोग इलीगली यूएसए में एंटर करना चाहते हैं. तो सेम चीज यहां पर होती है कि इंडियंस पहले तो ब्राजील आ जाते हैं, ब्राजील से फिर दे मूव टू मैक्सिको एंड फ्रॉम मैक्सिको दे मूव टू यूएसए. तो यहाँ पर काफी सारे इलीगली ब्राजील में एंटर किया था, उन लोगों को डिटेन किया इसने और उसमें 100 से ज्यादा लोग इंडियंस हैं. द मेजर इज एक्सपेक्टेड टू टारगेट इंडियंस, चाइनीज, नेपालीज एंड वियतनामीज हु आर बिलीव टू बी पार्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स लैंडिंग एंड रिक्वेस्टिंग असाइलम and then taking the land route from Brazil to Mexican border with the US in order to cross over to US and Canada. Alright, तो ये एक इशू बना है इंडिया ब्राजील के बीच में कि हमारे लोगों को आपने डिटेन कर रखा है, बट ब्राजील का कहना है कि हमने तो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन किया है, अब अगर आप में उसमें आपके इंडियंस हैं तो we can't help it. Now Brazil is holding the G20 presidency this year. Further, स्ट्रेंथनिंग द इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो साइन हुई थी 2006 में, तो यहाँ पर देखते हैं इनकी विजिट से क्या निकल के आता है. बाकी हम लोग कॉपरेशन कर सकते हैं मोस्टली डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी. अब देखिए एग्रीकल्चर एनर्जी दोनों में एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट निकल के आता है बायोफ्यूल का. हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम E20 अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी हमें, जबकि ब्राजील अटेंड कर चुका है E40, 40% उसके यहां पर ब्लेंडिंग की जाती है बायोफ्यूल्स की. देन शुगर केन में ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ठीक है, शुगर भी काफी एक्सपोर्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट में, सिर्फ इंडिया और ब्राजील के थ्रू ही शुगर के पूरे प्राइसेस रेगुलेट होते हैं. तो जब इंडिया इसको एक्सपोर्ट पे बैन लगा देता है अपने यहां पर कि हम शुगर के एक्सपोर्ट पर अभी बैन लगा रहे हैं, तो उससे फिर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है वहां पर. ठीक है, तो ब्राजील का दो चीजों में हमें रेलेवेंस देखने को मिलता है, एक है शुगर केन में और दूसरा बायोफ्यूल में, जो इंडिया जिसके रिगार्डिंग इंडिया इसके साथ डील कर सकता है. बाकी डिफेंस, सिक्योरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, ब्रिक्स में हम लोग मेंबर हैं, वो सब बातें अलग हैं. कभी अगर लगेगा उतना कि इंपॉर्टेंट है ब्राजील तो फिर हम उसको सेपरेटली कर लेंगे इनके रिलेशनशिप के बारे में,
बाकी इनके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है सिंस 2006, वो आपको याद रखिएगा। ट्रेड यूनियंस अवेटिंग फाइन प्रिंट ऑफ यूपीएस। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानते हैं, बिकॉज हमने पहले डिफरेंस समझा था बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना होता था, आपने अपनी जो लास्ट मंथ में सैलरी ड्रॉ की होगी, आपकी जो भी बेसिक पे रही होगी, उसका 50% आपको पेंशन मिलती रहती है पूरी लाइफ टाइम। ठीक है, जैसे कोई रिटायर हुआ, जब उसकी सैलरी 70,000 थी, तो उसको 35,000 फिक्स मिलती रहेगी। बट इससे सरकार पे बर्डन ज्यादा पड़ रहा था, तो फिर इंडिया ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने, दैट 2004 के बाद जो लोग सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, इनको लेके आएंगे हम न्यू पेंशन स्कीम में। यानी कि यहां पर पुरानी पेंशन की तरह कोई फिक्स नहीं होगा, ये मार्केट से लिंक होगी। यानी कि आपका जो भी पीएफ वगैरह कटता है, आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, थोड़ा सरकार भी करती है कंट्रीब्यूट, और फिर वो पैसा पूरा इन्वेस्ट कर दिया जाता है सिक्योरिटी मार्केट में, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है बाय पीएफआरडीए। इस बॉडी को बनाया इसलिए गया था ताकि ये आपके जो पेंशन का फंड है उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगी, अलग अलग एक्टिविटीज में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, और फिर वहां से जो रिटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन डिसाइड होगी। बट अब यहाँ पे लोगों की टेंशन ये थी कि कई लोगों की पेंशन इतनी कम आ रही थी, किसी की 1,500, किसी की 2,000, किसी की 5,000। ठीक है, दैट इज लाइक रियली अ हेल, अगर आप रिटायरमेंट के बाद इतनी कम आपको पेंशन मिलती है। तो ये डिमांड कंसिस्टेंटली की जाने लगी दैट न्यू पेंशन स्कीम से हमें वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाना है। अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन हो गए, मोस्टली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने कई स्टेट्स में प्रॉमिस किया कि हम न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम आपको वापस देंगे। एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश, एग्जाम्पल कर्नाटका। अब ऐसा नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर्ड हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनकी वोट बैंक की बात आती है, नहीं। बात तो ये है कि वो हार्डली 3% ही है टोटल वर्कफोर्स के, लेकिन द थिंग इज कि दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे स्पीक इन वन वॉइस एंड दे मेक देयर वॉइस हर्ड, राइट। इन तीन वजहों से, कम पॉपुलेशन, कम वोट होते हुए भी ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है। अब अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ हम लोग वापस जाते हैं तो सरकार पर पेंशन का बिल और ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम ये ठीक भी नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला गया जिसमें दोनों के ही फीचर्स होंगे, जिसे नाम दिया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके पांच इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं जो आपको याद रखने चाहिए। फर्स्ट, एक गारंटी हो जाएगी कि आपकी पेंशन मिलेगी आपको, ठीक है, एक फिक्स पेंशन मिलेगी, क्योंकि वहां न्यू पेंशन स्कीम में मार्केट लिंक है वो, ठीक है, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया था, कितना इन्वेस्ट किया था, उस हिसाब से आपको रिटर्न आते हैं और उसी बेसिस पे आपकी पेंशन डिसाइड होती है। वो मार्केट लिंक है, वो वैरी करती है, वो फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे गारंटी दी गई है कि यस, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन पे एज लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन, ठीक है, बेसिक पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेसिक पे। ओवरऑल सैलरी अलग होती है, बेसिक पे अलग होता है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रोविजन। डीएनएस रिलीफ, अब क्योंकि आप रिटायर हो रहे हो, अभी 10 साल 20 साल बाद चीजें महंगी हो जाएंगी, तो फिर उसको कैसे एडजस्ट करोगे, तो यस, उसका भी प्रोविजन रखा गया है। डीएनएस अलाउंस जो दिया जाता है आपको सैलरी में, द पेंशन इंक्लूड्स ए पीरियोडिक डीएनएस रिलीफ हाइक इन लाइन विद इन्फ्लेशन ट्रेंड। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका पेंशन भी बढ़ेगी। इन द इवेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डेथ, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जितनी पेंशन इस इंसान को मिल रही थी उसको उसकी पेंशन का 60% उसकी फैमिली को मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज एक आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को 60% मिलेगा उसके हस्बैंड की पेंशन का। देन सुपर एनुएशन पे आउट, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है इन एडिशन टू ग्रेट्यूटी बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आपको एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा और ग्रेट्यूटी बेनिफिट्स के साथ। नेक्स्ट इज मिनिमम पेंशन। अब अगर कोई सर्विस ज्वाइन करता है और वो उसको छोड़ देता है 10 साल के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, तो ऐसे में उसको मिनिमम पेंशन दी जाएगी 10,000 पर मंथ, ठीक है। ये रिटायरमेंट तो हुई नहीं है इसकी, इसने छोड़ दिया, सपोज उसने 30 में ज्वाइन की, 40 में छोड़ दी, तो एटलीस्ट उसको 10,000 पर मंथ की पेंशन तो अश्योर्ड मिलेगी, ठीक है। तो ये पांच प्रोविजन है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कितना करेगा, 10% आप अपनी सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लस गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी 18%, सॉरी 18.5%, 18.5% जितनी आपकी सैलरी है उसका 18.5% गवर्नमेंट की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आएगा इस फंड में, राइट। पहले ये 14% हुआ करता था, इसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको एडजस्ट किया जाएगा पीरियोडिकली आपकी इन्फ्लेशन के साथ।
न्यू पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 के बाद जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की उन पे लागू किया गया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे। लेकिन यहाँ पे आपका जो फंड होता था वो इन्वेस्ट किया जाता था इन मार्केट लिंक सिक्योरिटीज, और उस बेसिस पर आपकी पेंशन डिसाइड करती थी, तो वो वैरी करता रहता था, राइट। उसके अलावा स्विच ऑप्शन भी दिया गया है, जो लोग न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना चाहते हैं आप रह सकते हो, और जो यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर। इसके मैंने नोट्स कल आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट कर दिए थे, एंड प्लीज टेलीग्राम ग्रुप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफी चीजें होती है जो यहाँ पर वीडियो की लेंथ पहले हमारी बहुत ज्यादा हो जाती थी, 1 आवर 15 20 मिनट्स भी जाता था, ठीक। उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है, बट उसके अलावा मुझे जो चीजें देनी होती है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स उसके दे देता हूँ। ओके, जैसे कल बिजनेस स्टैंडर्ड में आया था कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो हमने उसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट आपको पोस्ट कर दिए थे वहां पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज के न्यूज़पेपर में काफी कुछ है जो हमें जानना है। यहाँ पे मोदी जी के वही बोल बच्चे ने कि हम लोगों ने बहुत से लॉ बनाए हैं क्राइम अगेंस्ट वेमेन कर्व करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी काफी इंसिडेंट्स है, जैसे हाथरस में रेप केस देखा हमने, ठीक है, हमने रेसलर वेमेन्स का एजिटेशन देखा, उसके बाद अभी सबसे इम्पोर्टेंट कोलकाता में केस देखा हमने, राइट। तो अब ये तो बोलते हैं कि हमने काफी कुछ किया है, बट अल्टीमेटली हालात कुछ ज्यादा नहीं है, बल्कि उल्टा शायद बद से बदतर ही हो रहे हैं हालात। लखपति दीदी, ये आप जानते होंगी, ये वेमेन के लिए लॉन्च किया गया था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एनरोल है, कि हम आपकी अर्निंग 1 लाख रुपीज जरूर करेंगे, ठीक। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, इसके कुछ सेक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में एम्फेसाइज किए थे कि आप याद रखिए, वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आप 2-3 सेक्शन नंबर उनके प्रोविजन के साथ मेंशन करते हैं आंसर में, तो आपका आंसर ज्यादा इंपैक्टफुल दिखता है। भारत न्याय संहिता, वेयर एन एंटायर चैप्टर हैड बीन डेडिकेटेड टू द एट्रोसाइट्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, द विक्टिम्स कुड रजिस्टर EFIR इफ दे डिड नॉट विश टू गो टू द पुलिस स्टेशन, तो ये एक अच्छा प्रोविजन है, एंड मेजर्स वर इन प्लेस टू एंश्योर स्विफ्ट एक्शन एंड प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ द EFIR एट द पुलिस स्टेशन लेवल। नाउ द न्यू लॉज हैव प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट। अभी मैं इसी पेपर में आपको आगे बताऊंगा, जब दिल्ली गैंगरेप हुआ था उसके बाद वर्मा कमेटी बैठी गई थी, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि यार डेथ पेनल्टी से कुछ नहीं होगा, ये कोई डेटरेंस की तरह काम नहीं करता, हम इसके फेवर में नहीं है, बट उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी उसने कहा नहीं, डेथ पेनल्टी जरूरी है, तो फिर वो प्रोविजन इंक्लूड किया गया वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट जाकर भी, राइट। तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी की प्रोविजन है, और 2018 में खुद मोदी सरकार ने भी ये चीज इंश्योर की कि अगर आप 12 साल की बच्ची या उससे कम के साथ रेप करते हो तो श्योर श्योर डेथ पेनल्टी होगी, जबकि पहले यूपीए सरकार ने जो इंक्लूड किया था उन्होंने कहा था कि अगर विक्टिम की डेथ हो गई है या उसकी हालत ऐसी कर दी है आपने जैसे एकदम जिंदा होके भी एक जिंदा लाश बन जाना, तो उस केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी। मोदी सरकार ने इसको और स्ट्रेंथन किया कि अगर आप 12 साल की बच्ची के साथ रेप करते हो या उससे छोटी के साथ, तो भी आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ओके, अभी हम उसकी बात करेंगे आगे इसी पेपर में। नाउ अब भारतीय न्याय संहिता ने एक और चीज ऐड की है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। आप मैरिज के नाम पर अगर किसी लड़की के साथ उसका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन करते हो तो उसके लिए भी आपको सजा है, ये इस न्यू कोड में इंक्लूड किया गया है। इट क्लियरली डिफाइंस फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज एंड डिसेप्शन टू एक्ट अगेंस्ट चीटिंग इन द नेम ऑफ मैरिज। ओके, तो ये सारे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने लिए हैं आपको आपकी सेफ्टी के लिए। बाकी हमने इस पे वर्क प्लेस को लेकर एटलीस्ट कि वर्क प्लेस पर हम वीमेन की सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इस पे मैंने आपको पूरे डिटेल नोट्स दिए हैं, हमने पिछले भी कई बार इसके बारे में बात की है। राजनाथ सिंह विजिट यूएस सबमरीन टेस्टिंग फैसिलिटी एज इंडिया आई सिमिलर सेंटर। अब यहाँ पर एक सेंटर है लार्ज कैविटेशन चैनल यूएसए का, ठीक है, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट टेक्निकली एडवांस्ड वाटर टनल फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग सबमरीन टॉर्पिडोज, जो लॉन्च किए जाते हैं सबमरीन से हिट करने के लिए सामने वाले एनिमीज को, उन्हें टॉर्पिडोज बोलते हैं, एंड नेवल सर्विस शिप एंड प्रोपेलर्स, ठीक है। तो ये सबसे एडवांस फैसिलिटी मानी जाती है वर्ल्ड में यूएसए की, तो हम भी सिमिलरली यही करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने विजिट किया था। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सोसा, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्योंकि राजनाथ सिंह अभी विजिट पर हैं यूएसए की, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। दिस इज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। नो सी, इमेजिन की यूएसए है और इंडिया है, इंडिया को यूएसए से क्या चाहिए, जेट इंजन अपने तेजस विमान को बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमने जो एग्रीमेंट सप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे इंडिया की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक। और ये रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर यूएसए कुछ इंडिया से डिमांड करता है कि हमें आपसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए डिफेंस रिलेटेड, तो फिर इंडिया को भी यूएसए को इस मैटर में प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये जो एग्रीमेंट हुआ है इट इज ए नॉन बाइंडिंग पैक्ट,
याद रखिएगा, ठीक है। और ये नाम से क्लियर ना, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप अश्योर कीजिए डिफेंस रिलेटेड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे को जरूरत होगी, रेसिप्रोकल मैनर में दोनों इंश्योर करेंगे। बट अभी के लिए ये नॉन बाइंडिंग पैक्ट है, बट इसे हम कह सकते हैं कि एक फॉरवर्ड स्टेप लिया गया टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, जहां पर चीजें बाइंडिंग होगी। ये कंपल्सरीली हमें एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, राइट। इट इज ए नॉन बाइंडिंग पैक्ट साइन बिटवीन इंडिया यूएसए टू इंश्योर द रेसिप्रोकल फोकस ऑन द वर्क रेसिप्रोकल, ठीक है। अब इंडिया क्या दे पाएगा यूएसए को डिफेंस के मैटर में, वो हमें नहीं पता, ठीक है। बट एटलीस्ट एक कमिटमेंट तो है कि अगर यूएसए कोई डिमांड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज डिफेंस रिलेटेड, तो हम उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रमोट नेशनल डिफेंस। एंड इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री और द ओनली कंट्री, इंडिया इज एक्चुअली द 18th कंट्री टू एंटर सोसा विथ यूएस। इसके अलावा यूएसए के जितने क्लोज पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इसराइल, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूके, इन सब ने भी साइन किया है। तो आपको ये दो चीजें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो ये कंफ्यूज करेंगी। फर्स्ट, इट इज ए नॉन बाइंडिंग पैक्ट, ठीक है, ये याद रखिए। सेकेंड, ये रेसिप्रोकल पैक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट होगा आपका कि ये इंडिया इज नॉट द फर्स्ट और द ओनली कंट्री, ठीक है। इंडिया इज द 18th कंट्री, नॉट इवन फर्स्ट इन द एशिया, क्योंकि यहाँ पे जापान भी है, यहाँ पे कोरिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। तो इवन नॉट फर्स्ट इन द एशिया। अल्टीमेटली गोल क्या है? गोल इज टू स्ट्रेंथन द डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ बोथ कंट्री। तो यूएसए का तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है, बट इंडिया को मदद होगी कि हम अपना डिफेंस इंडस्ट्रीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि हमें सप्लाई चेन का पार्ट बन जाएंगे हम यूएसए के साथ, ठीक है। हमारी सप्लाई चेन रेजिलिएंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने तेजस का सारा काम करके रख लिया लेकिन हमें इंजन नहीं मिल रहा है बस, तो वो यूएसए को इंश्योर करना होगा। ऑलराइट, देन सिमिलरली इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स ग्रेटर डिफेंस इंडस्ट्री कोलेबोरेशन। और हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि हमें कोलेबरेट करना है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, हमें बायर सेलर वाली रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है, कोलेबरेटिव को प्रोडक्शन ये सब करना है, ठीक है। कोलेबरेशन विथ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट लाइक रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। तो अभी ये नॉन बाइंडिंग है, बट फ्यूचर ये एक स्टेप है कि अगर ये सब कुछ ठीक चलता है तो फ्यूचर में लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी साइन किए जा सकते हैं, ओके। बाकी सब चीजें आप खुद से पढ़ लेंगे। यहाँ पे दो चीजें, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ऑन लाइसेंस ऑफिसर एंड स्ट्रेटेजिक कमांड एंड रीजनल सिक्योरिटी। लाइसेंस ऑफिसर वो होते हैं जिनका काम होता है टू मेंटेन गुड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ओके। तो यहाँ पे असाइन किए जाएंगे इंडियन लाइसेंस ऑफिसर बाय टू की यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड्स, एंड इससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेटर होगी दोनों कंट्रीज में, एंड कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस आर्म फोर्सेस इंप्रूव होगा। एट द सेम टाइम यूएसए के स्ट्रेटेजिक कमांड में हमारे इंडियन ऑफिसर्स जा सकेंगे, दैट मीन्स कि हम एक बेटर सिनर्जी डेवलप कर पाएंगे, एक दूसरे के ऑपरेशंस को समझ लेंगे, यानी कि हमारे ऑफिसर्स वहां जाकर सीख पाएंगे। जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे 50s 60s की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारे आर्मी के जितने भी हायर लेवल ऑफिसर्स थे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूके की अकेडमी में स्पेंड करके आते थे। वहां पे वो उनकी आर्म फोर्सेज तो ऑब्वियसली आधी दुनिया जीत चुकी थी पहले, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस था, वो वर्ल्ड वॉर फाइट कर भी चुके थे। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स भी कई बार यूके से ही ट्रेन होकर आए थे टिल 1962, जब हमारी पहली वॉर हुई चाइना के साथ। उसके बाद हम बहुत ज्यादा सीरियस हुए इस चीज को लेकर। द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन ऑफिसर्स इन यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड्स इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द रीजनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी कि यूएस शिप पर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स रह सकते हैं, तो फिर ओवरऑल जो इंडियन ओशन रीजन है, जैसे रेड सी में भी ट्रबल चल रहा है, और सब में बेटर कॉपरेशन कर पाएंगे दोनों। द एग्रीमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रॉडर इंडिया यूएस कोलेबरेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज, ओके। तो ये प्रीलिम्स में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, और मेंस में तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ यही बताना है कि ये एक साइन है कि किस तरीके से हम दोनों के डिफेंस रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। और जब इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन की बात आएगी तो भी आपको यही एग्रीमेंट मेंशन करना है कि हमने अपनी जो सप्लाई चेन है उसको और ज्यादा रेजिलिएंट बनाने के लिए यूएसए के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया है, ओके। तो दो तरीके से आप फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में तो मैंने आपको बताई दी है किस तरीके से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। नाउ सी, यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे के मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसने कहा है कि देर आर चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रेन कंट्रोलर्स, और उनका सबसे बड़ा यही था कि हमारे वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज्यादा है, रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, इस वजह से हम पे ओवर बर्डन पड़ रहा है। फर्स्ट, अनअट्रैक्टिव पे स्केल, ह्यूज स्ट्रेस ड्यू टू वैकेंसीज लीडिंग टू हेल्थ कंसर्न्स एंड लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। करीब 15-20% वैकेंसी है इसमें, और इसीलिए फिर ये पायलट कहते हैं कि दिक्कत हो गई थी एंड ट्रेन कोलाइड हो गई एंड ऑल दोस थिंग्स। सो व्हाट वी नीड टू डू इज इम्प्रूवमेंट इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेन ऑपरेशन।
बाकी रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड मैंने आपके साथ पूरे प्रॉपर नोट्स दिए हैं और हमने वो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है पहले। एडॉप्शन रेट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नाउ जब ऐसे बच्चों की बात आती है जो थोड़े से किसी ना किसी तरीके से डिसेबल हैं, तो इनमें एडॉप्शन रेट काफी कम होता है। जो पेरेंट्स अडॉप्ट करने आ रहे हैं वो नहीं पसंद करते हैं किसी बच्चे में जिसमें डिसेबिलिटी होती है उसको अडॉप्ट करना। सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दो दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फॉर एडॉप्शन हैज राइजन, द अडॉप्शन रेट इज स्टिल सिग्निफिकेंटली लो। तो अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स में देखेंगे तो बड़े होंगे, जैसे पिछले साल अगर 50 को अडॉप्ट किया तो इस बार ज्यादा को किया होगा, बट एट द सेम टाइम जो रेट है वो उतना ज्यादा नहीं है। दूसरे जो नॉर्मल बच्चे उनको ज्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है। और ये सारी चीजें कौन देखता है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, दैट इज नोन एज कारा। कारा के बारे में कुछ बातें जान लीजिए, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो मेंस में कारा का कोई रोल नहीं आएगा। जस्ट अ सेकंड ना, गिव मी अ मिनट। ओके, कारा के बारे में जानिए। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज प्रॉपर एक लॉ इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू, तब बनाई गई ये बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में फंक्शन करती है एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन 1990। इट फंक्शन एज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग द एडॉप्शन प्रोसेस। अब नो फोकस ऑन दिस, एडॉप्शन प्रोसेस विद इन इंडिया एंड इवन फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। यानी कि अगर कोई इंडिया से बाहर से आके भी इंडिया में बच्चे अडॉप्ट करना चाहता है, जैसे सनी लियोनी ने अडॉप्ट किया था एक बच्ची को आंध्रा से और या तेलंगाना से, आई थिंक हैदराबाद से ही किया शायद। ओके, तो वो चीज भी रेगुलेट कारा ही करता है, ठीक है, विद इन इंडिया भी एंड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज ऑल्सो यही रेगुलेट करता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इसको सेल्फ रीड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, बट एक बार रीडिंग कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी दूसरे इंपॉर्टेंट इशू पर। क्लासिकल लैंग्वेज सेंटर आस्क फॉर ऑटोनमी। इसमें आपको दो चीजें जाननी जरूरी हो जाती है, एक क्राइटेरिया क्लासिकल लैंग्वेजेस किस तरीके से दी जाती है, और दूसरा कि अगर मिल गया उसको स्टेटस तो क्या बेनिफिट होगा यहाँ पर। राइट, सो जब इनको स्टेटस मिल जाता है उसके बाद इनके सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने होते हैं। अब सेंटर ऑफ एक्सलेंस तो बना दिया आपने, लेकिन उनको ऑटोनमी नहीं दी उतनी ज्यादा। ठीक, तो यही डिमांड की है यहाँ पर तेलुगु कन्नड़ मलयालम एंड उड़िया। इन लोगों ने स्पेशल सेंटर सेटअप तो कर दिए गए इनके लिए, बट दे आर नाउ डिमांडिंग दी अटोनमी। इंडिया हैज सिक्स क्लासिकल लैंग्वेजेस, चार तो हमारे साउथ की स्टेट आ गए, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, इसके अलावा उड़ीसा एंड संस्कृत। ठीक है, सिक्स सिक्स हैं। तो सेंटर ऑफ तमिल को काफी अटोनमी है एज कम्पेयर टू अदर, तो बाकी भी वही डिमांड कर रहे हैं। नाउ वंस ए लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू प्रमोट इट। लाइक दो मेजर एनुअल अवार्ड्स देने होंगे आपको उस लैंग्वेज से जुड़े हुए लोगों को, एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना होगा फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज, सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स सेट करनी होंगी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। बट प्रॉब्लम क्या ये फेस कर रहे हैं, चीफ प्रॉब्लम फेसिंग दीज फोर लैंग्वेज सेंटर वॉज दैट एनी इवेंट और एक्टिविटी प्लान फॉर दैम हैड टू गेट फाइनेंशियल सेंक्शन फ्रॉम CIIL। ठीक है, क्योंकि अटोनमी नहीं है तो आपको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो हम क्राइटेरिया देख लेते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। अगर आपको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस चाहिए तो आपको एंश्योर करना होगा दैट यू हैव सम एंटिक्स, लाइक आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज की फॉर एटलीस्ट 1500 टू 2000 ईयर। नो यू टेल मी, क्या भोजपुरी इसमें क्वालिफाई कर पाएगी? डज इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ 1500 टू 2000 ईयर? एंड बंगाली, क्या बंगाली इसमें क्वालिफाई कर सकती है? सेकेंड इज लिटरेरी ट्रेडिशन, द लैंग्वेज शुड हैव ए रिच एंड डिस्टिंक्टिव लिटरेरी ट्रेडिशन, जैसा कि तमिल संस्कृत के केस में, ठीक है, विच कैन बी कंसिडर एज ए वैल्यूएबल हेरिटेज। थर्ड क्राइटेरिया इज ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन किया गया किसी और से। अब जैसे आप बंगाली में देखोगे तो अधिकतर जो उसका लिटरेरी हेरिटेज है, या तो वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद शुरू हुआ, ठीक है, जब रेनेसा शुरू हुआ बंगाल से, या फिर उसके पहले के जो टेक्स्ट हमें मोस्टली मिलते हैं बंगाली लैंग्वेज में, दे आर जस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स और एनी अदर टेक्स। राइट, सो यहां पे वर्ड ध्यान दीजिए ओरिजिनल, द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ द लैंग्वेज शुड बी एंशियंट एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज और द ट्रेडिशन। एंड फोर्थ क्राइटेरिया इज कल्चरल हेरिटेज, द लैंग्वेज शुड हैव ओरिजिनल बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर दैट हैज इन्फ्लुएंस अदर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। क्लासिकल लैंग्वेज तमिल को मिला था 2004 में, 2005 में संस्कृत भी आ गई, 2008 में तेलुगु कन्नड़ दोनों को मिला, देन मलयालम एंड उड़िया। क्या बेनिफिट दिए जाते हैं? स्पेशल ग्रांट्स दिए जाएंगे, रिकग्निशन दिया जाता है इनको,
अवार्ड्स दिए जाएंगे हर साल दो, प्रमोशन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आपको इनको बेनिफिट देने होते हैं, लिटरेरी वर्क, रिसर्च या टीचिंग, इसमें प्रमोशन करना है। देन एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाता है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में आप एक सेपरेट चेयर सेट सेट करोगे एंड इंटीग्रेशन किया जाता है इनटू क्यूरिकुला। ओके, सो डू रिमेंबर दी क्राइटेरिया फॉर योर प्रीलिम्स एंड ओवरऑल फॉर योर मेंस। आगे चलें, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बिकॉज देखिए आपको पता है कि यालुंग सैंगपो, ठीक है, जो एंटर करती है अरुणाचल में एज अ सियांग, ठीक, उसके बाद फिर बराक रिवर और दिहिंग रिवर इसको ज्वाइन करती है और फिर ये बन जाती है असम में आके ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, यालुंग सैंगपो तिब्बत से ऑरिजन होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा एक नामचा बाड़वा, इट इज ए पीक, और ये रिवर यहीं से आते 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 फिर यहां से पूरा एकदम यू टर्न लेती है और असम से अरुणाचल से होते हुए असम में एंटर करती है एज अ ब्रह्मपुत्रा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि तिब्बत में हमें दो चीजें देखने को मिल रही है, पहला क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, तो इससे क्या हो रहा है कि मेल्टिंग ज्यादा हो रही है ग्लेशियर की। अब जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो अपने साथ मोरेन भी लेकर आते हैं बहुत सारे, यानी कि सेडिमेंट्स टाइप की चीजें, ओके, तो ये और ज्यादा कैरी करने लगते हैं। लेकिन जब ये नामचा पाड़वा के पास आती है थ्रू कैनियंस के थ्रू, जब वो पास होती है खाई के थ्रू, तो यहाँ पर ये इकट्ठे होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, पानी रुकने लगता है, और फिर जब ये ब्रीच होते हैं तो फिर अचानक से पूरा पानी तेजी से आता है, विच कॉज द फ्लैश फ्लड, राइट, क्योंकि ये मोरेन्स जो हैं, सेडिमेंट्स जो हैं, ये काफी कमजोर हैं, इकट्ठे होते होते जम गए, बट जब पानी ज्यादा बढ़ गया पीछे तो फिर अचानक से आ जाती है फ्लैश फ्लड, राइट। क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर है, इसके अलावा दूसरा फैक्टर है कि इस रीजन में हल्के हल्के अर्थक्वेक भी आते रहते हैं, तो उस वजह से भी यहाँ की जो पूरे सेडिमेंट्स हैं ये डिस्टर्ब होते हैं और फिर से चांसेस बन जाते हैं फ्लैश फ्लड के, ठीक है। तो इस मैटर को समझ लेते हैं, एक स्टडी की गई है बाय चाइनीज ऑन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मास वेस्टिंग इवेंट्स इन दी सेदोंगपू गली ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू सिंस 2017 एंड द रैपिड वार्मिंग ऑफ द एरिया। सो दिस कुड बी ए बैड साइन फॉर इंडिया, बिकॉज यहाँ पे कभी रेयरली ही टेम्परेचर इवन 0 डिग्री जाता है, रेयरली, उससे नीचे ही रहता था, बट अब टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। पहले मास वेस्टिंग जान लीजिए, ये क्या होता है, मास वेस्टिंग होती है ग्रेविटी इन्फ्लुएंस मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल डाउन ए स्लोप, ठीक है। ग्रेविटी के वजह से आपके जो रॉक हैं, जो सॉइल है, वो मूव करती रहती है नीचे, दैट इज कॉल्ड एज मास वेस्टिंग, ठीक है। एंड गली, गली इज ए लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय इरोजन फ्रॉम रनिंग वाटर, मास मूवमेंट ऑफ बोथ। गली तो आपने शायद सभी ने देखी होगी, ठीक है, जैसे आपने मिट्टी वगैरह में देखेंगे तो जब पानी होता है और उसके बाद वो पानी जब एक जगह से बह रहा होता है और जब वो निकल जाता है पूरा, तो वो एक गली जैसी फॉर्मेशन छोड़ जाता है, ठीक। नाउ सेदोंगपू गली ये है कहाँ, तिब्बत में, इट ड्रेन्स इंटू यारलुंग सैंगबो, या फिर इसको सैंगपो रिवर भी कहते हैं, ठीक, अराउंड माउंट नामचा बारवा एंड माउंट ग्याली पैरी, जहां से रिवर टर्न होती है, फिर अरुणाचल में एंटर करती है, सैंगपो फ्लोस एज सियांग रिवर इन अरुणाचल, देन दिस सियांग रिवर मीट दी दिबांग एंड लोहित रिवर टू फॉर्म दी ब्रह्मपुत्रा। द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म वार्मिंग एंड इंटेंस लोकल शेकिंग ड्यू टू अर्थक्वेक हैज ग्रेटली एनहांस लैंडस्लाइड एक्टिविटी इन द एरिया। तो ये जो दो रीजंस हैं, एक इंक्रीज इन टेम्परेचर और दूसरा अर्थक्वेक, इस वजह से लैंडस्लाइड की एक्टिविटीज ज्यादा दिख रही हैं, और ये जो सेडिमेंट्स की वजह से फिर जब वो पूरा पानी का प्रेशर उस पर पड़ता है और वो हट जाती है, तब जाकर फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लैश फ्लड क्या होता है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा चाइना प्लान्स टू सेटअप 60 गीगावाट प्रोजेक्ट ऑन सैंगपो, तो वो एक और कंसर्न है हमारे लिए। दिस रीजन इज कैरेक्टराइज बाय इनॉर्मस जियोफिजिकल इंस्टेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, हमें पता है ना हिमालय आर द यंगेस्ट कोल्ड माउंटेन, ठीक है, अभी भी वो स्टेबल नहीं है पूरी तरीके से। ब्रह्मपुत्रा कैरीज मोर देन 800 टन ऑफ सेडिमेंट्स, द इंक्रीजिंग सेडिमेंटेशन मे मेक द रिवर मोर इंटेंसली ब्रेडेड इन द असम प्लेन्स विच कुड लीड टू मोर बैंक इरोजन। अभी सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होता है कि आपको जो रिवर बेड है वो और एलिवेट होते हो जाता है, ये ऊपर तक मिट्टी भर जाती है, एसेंचुएटिंग दी फ्लड हैजार्ड। अब उसके बाद फिर कई बार जब फ्लड आता है तो उसे पानी नहीं आता, पानी के साथ पूरा एक मलबा आता है। फर्दर द चैनल्स ऑफ द रिवर इन असम एंड बांग्लादेश मे गेट चोक्ड विद सैंड एंड सिल्ट इन द लीन सीजन,
मेकिंग नेविगेशन डिफिकल्ट। अब उसके बाद जब पानी कम होगा समर सीजन में या जब लीन सीजन है, बारिश नहीं हो रही है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपकी बोट भी उतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि नीचे फ्लड प्लेन जो था वो रेस हो चुका है। अब पानी जब ड्राई हुआ तो उसमें मिट्टी ज्यादा है ऊपर, तो आपकी बोट उतनी फ्रीली सेल नहीं कर पाती है जब पानी कम हो जाता है। ठीक, तो दैट अफेक्ट द लाइवलीहुड रिलेटेड टू फिशिंग। द ब्रीचिंग ऑफ द ब्लॉकेजेस लीड टू कैटेस्ट्रोफिक फ्लैश फ्लड्स, अभी हम बात करते हैं इसकी। इन द डाउन स्ट्रीम एरिया सच एज द वन इन अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट सियांग एंड असम, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट इन 2000। तो आपको क्रक समझ में आया इसका पूरा, ठीक है। दो चीजें याद रखनी है इंपॉर्टेंटली, मास वेस्टिंग क्या है, गली तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज और अर्थक्वेक के इम्पैक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर भी फ्लैश फ्लड के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। रिवर का जो बेड है, रिवर बेड, वो रेज हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि फिर आपकी जो फिशिंग टाइप की एक्टिविटीज हैं, ये बोट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो उतनी इजीली नहीं मूव कर पाती हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरी समरी दे दी है, आप इसको रीड कर सकते हैं, जो चीजें मैंने आपको समझाई है वही है। फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स आर डिफाइंड एज सडन एंड सीवियर फ्लड दैट अकर विद इन ए शॉर्ट पीरियड, यूजुअली विद इन 6 आवर्स ऑफ हैवी रेनफॉल, या फिर डैम फेलियर की वजह से हो सकता है, या फिर रैपिड वाटर रिलीज की वजह से होता है। यही है कि अगर कभी ये सेडिमेंट्स जो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, इकट्ठे होते चले गए गली में, वैली में, और उसके बाद पानी इसके पीछे काफी सारा स्टोर होता चला गया, लेकिन जब प्रेशर ज्यादा पड़ा तब ये एकदम से बह जाएगा पूरा, और फिर ये पानी बहुत तेजी से शहरों में घुसेगा, अरुणाचल असम में, और फ्लैश फ्लड कॉज करेगा। विद इन 2-3 आवर्स ये पूरा आपको फ्लड कर देगा और इवैक्यूएट होने का टाइम मिलेगा नहीं। दे आर कैरेक्टराइज बाय स्विफ्ट राइज इन वाटर लेवल्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉस ऑफ लाइफ। फ्लैश फ्लड्स आर पर्टिकुलरली डेंजरस ड्यू टू देयर रैपिड ऑनसेट एंड लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर वार्मिंग एंड इवैक्यूएशन। ये जो मिडिल पाथ चूज किया गया है बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि पेंशन का खर्चा कितना है सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को अगर हम मिला लें तो खर्चा है करीब 5 लाख करोड़ से ज्यादा, दैट इज 6 to 21% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो 6 to 21% का जो रेवेन्यू आता है वो पेंशन पे चला जाता है। ओके, क्योंकि पेंशनर्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि ये तो हमारे डेफर्ड वेजेस हैं, यानी कि जब हमने 30 साल जॉब की तो उस टाइम हमें कम सैलरी दी गई थी, ये हमारे डेफर्ड का मतलब यही होता है कि आपको आगे बाद में पे किया जाएगा, आप अभी वर्क कीजिए, तो वो ये मानते हैं ये डेफर्ड वेज है, कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं हम पे पेंशन देके। जबकि सरकार का ये कहना है कि देखिए ये हद से ज्यादा पेंशन देना फ्यूचर जनरेशन पे एक लाइबिलिटी क्रिएट करना है कि आप लोग तो जॉब करके निकल गए, आज हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो टैक्स भर रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा आपकी पेंशन में जा रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दोनों साइड से। अब पेंशन बिल को ही कम करने के लिए सरकार ने क्या तरीका किया कि पहले तो गवर्नमेंट जॉब्स रिड्यूस करो, ठीक है, सेकंड कि अगर जरूरत भी है सरकार को वर्क फोर्स की तो आउटसोर्स कर दो। आउटसोर्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे आपको पुलिस में या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो आप एक प्राइवेट कंपनी को लमसम अमाउंट पे करते हो कि आप हमें सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर दीजिए, और वो उनको सैलरी देती है जितनी भी देनी है, ठीक है, सरकार नहीं देती, यानी कि वो सरकार के लिए वर्क तो कर रहे हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते, तो कोई पेंशन का प्रोविजन नहीं आता, आउटसोर्सिंग कर देते हैं, राइट। एंड थर्ड थिंग इज कि अग्निवीर जैसी योजना ले आते हैं कि आप 4 साल काम कीजिए, अपना एक अमाउंट लीजिए 12 लाख रुपए समथिंग और चले जाइए। तो ये 3 स्टेप सरकार ने लिए कि पेंशन का इशू कम किया जाए। बट अगेन रिपीटिंग कि किसी भी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि ये न्यू पेंशन स्कीम हम लोगों पर भी लागू होगी, नहीं, ये सारे एमपी एमएलए आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम ही एंजॉय कर रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं, ये मल्टीपल पेंशन लेते हैं, जितने टर्म ये इलेक्शन जीत के आते हैं ये उतने टर्म की पेंशन लेते हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना पेंशन है इनकी, कमलनाथ जैसे लोग, शिवराज सिंह, दिग्विजय सिंह, इन लोगों की। नो गवर्नमेंट ऑल्सो लीविंग द पोस्ट अनफिलफिल्ड, उसके अलावा 30 लाख से ज्यादा वैकेंसी सरकार ने रोक रखी है अपने यहाँ पर। बट इस वैकेंसी को रोकने से ये होता है कि अल्टीमेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम की एफिशिएंसी पर, जैसे कि लोकोमोटिव पायलट्स का कहना है रेलवेज में कि हमें ओवर टाइम करवाया जा रहा है क्योंकि वर्कर्स कम है। सेकेंड, इट रिड्यूसेज द एवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब्स। अब लोग कहते हैं कि क्यों चाहिए सरकारी नौकरी, ठीक है, कुछ और भी कर लो, बट बात यह है कि अधिकतर सरकार ने जैसे जैसे वैकेंसीज कम किए, कई ऐसे एरियाज थे जो हब हुआ करते थे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन का, वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। ओके, इवन हमने हमारे भोपाल साइड भी जो देखा, एक टाइम पर बैंकिंग सेक्टर का हब बन रहा था वो, बट वो लगभग सब कुछ वाइप आउट हो गया, इतनी रिड्यूस हो गई उससे। तो हुआ ये उससे कि सिर्फ वो बच्चों पे ऐसा नहीं पड़ा, उन बच्चों के थ्रू वहां पे जितना भी बिजनेस चल रहा था उस पूरे पे इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ साथ मिलकर ही काम करना होता है। इंडिया में तो आज भी सिर्फ 6% लोग ही गवर्नमेंट जॉब में है,
चाइना में 16% है, यूएसए में, सॉरी यूएसए में 16% है, चाइना में 24% लोग गवर्नमेंट जॉब्स में, तो गवर्नमेंट का ये लॉजिक तो एकदम फ्लॉड है। सेकेंड इज न्यू पेंशन स्कीम थी मार्केट लिंक, इट इज मैनेज बाय एन ऑटोनमस एंटिटी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टॉक मार्केट बूम, दैट इज PFRDA। इट टर्न आउट दैट दे आर रिसीविंग मच लेस देन वॉट दे वुड गेट अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो फिर लोगों ने इसमें क्रिटिसाइज किया कि हमें पेंशन बहुत कम आ रही है और वो भी वैरी कर रही है हर मंथ। फिर एक कमेटी सेटअप की गई अंडर टीवी सोमनाथन, इन्होंने डिवाइस किया एक मिडिल पाथ जहां पर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहेगा दैट इज 10% और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, फ्रॉम 14 to 18.5% इन्वेस्ट करेगी अब सेंटर, जबकि जो लोग हैं वो अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा फिक्स कर दिया गया जो हमने शुरू में देखा, पेंशन ऑफ 50% ऑफ योर एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 20 मंथ्स एंड मिनिमम पेंशन 10,000 दी जाएगी अगर आपने 10 साल नौकरी की है तो। नाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर दी ऑर्गेनाइज प्रेशर ग्रुप एंड हैव बीन मैनेज टू रिस्टोर देयर गारंटीड पेंशन। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रेशर ग्रुप, जो आप लक्ष्मीकांत में आपको एक प्रॉपर चैप्टर है प्रेशर ग्रुप का। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रेशर ग्रुप गलत ही होते हैं, अगर आपकी डिमांड बिल्कुल वैलिड, आपको लगता है कि हमने इतने साल सर्विस की है देश के लिए, तो ओल्ड एज में हमारा ध्यान रखना भी फिर इस देश का, देश की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप पॉजिटिवली भी वर्क कर सकते हो, नेगेटिवली, नेगेटिवली यानी कि फिर वो कॉर्पोरेट वाले जो करते हैं कि पॉलिसी चेंज कीजिए हमारे फेवर में बनाइए एंड ऑल दोस थिंग। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, न्यू एज गेटवे डिवाइसेज द लेटेस्ट हेल्थ थ्रेट। अब स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, इन सबको रिड्यूस करने के लिए नई नई चीजें लेकर आए थे एक टाइम पर, जैसे ई सिगरेट, इन चीजों को लेकर आए और कहा गया कि ये आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, बट एक्चुअली अब हो ये रहा है कि यही एक नया एडिक्शन बन गया स्पेशली अमंग दी टीनेजर्स। ओके, तो जिसको एज अ सॉल्यूशन दिया गया था वही आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। वॉट वॉज वंस मार्केटेड एज हेल्थियर ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग हैज टर्न इन टू ए पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। तो ये जितने भी न्यू डिवाइसेस आए थे जैसे ई सिगरेट्स, वैपिंग पैंस, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ न्यू डिवाइसेज जो स्मोकिंग और टोबैको कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। दे वर इनिशियली पोर्ट्रेट एज टूल टू हेल्प पीपल क्विट टोबैको, however these devices have instead become a source of addiction particularly among children and adolescents. First is youth vaping. The rise in youth vaping has been alarming especially in USA. These devices being marketed directly to young people through appealing flavors like strawberry flavor has made cotton candy. In US for example e-cigarettes have become the most commonly used tobacco products among the middle and high school students, with millions of youth now addicted to nicotine. This situation is exacerbated by aggressive marketing tactics. ठीक है, क्योंकि आपने मार्केटिंग के लिए क्या किया, आपने कहा ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको स्मोकिंग छुड़वा देगा, ये आपको टोबैको कंजम्पशन छुड़वा देगा, तो उन्होंने बहुत ही यूनिक यूनिक और एग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज की दैट एक्सप्लॉइट द साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन ऑफन लीडिंग टू ए साइकिल ऑफ एडिक्शन दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक नाउ। नेक्स्ट इज फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फिजिकली आपके लंग्स डैमेज हो रहे हैं, उसके अलावा ये जो ई सिगरेट्स एंड वेपिंग यूज एसोसिएटेड लंग इंजरीज हो रही हैं, इसके अलावा आपके मेंटल हेल्थ पर भी इक्वली असर पड़ रहा है। दी एडोलसेंट्स हु यूज ई सिगरेट्स आर मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। द निकोटीन इन दीज डिवाइसेस पर्टिकुलरली एडिक्टिव फॉर यंग पीपल हुज ब्रेन आर स्टिल डेवलपिंग, मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। ओके, नेक्स्ट, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्हीं को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर इनको हटाइए, ये इन्हीं के साथ और हार्डर सब्सटेंस यूज करना शुरू कर दिया है जैसे कोकेन। दे आर नॉट जस्ट स्टेपिंग स्टोन टू निकोटीन एडिक्शन बट दे आर ऑल्सो बींग यूज टू एक्सपेरिमेंट विद हार्डर सब्सटेंसेज लाइक कैनबीज, कोकेन एंड हीरोइन। मैनी यूजर्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मिस्टेकनली बिलीव दैट वेपिंग इज हार्मलेस वैन इन फैक्ट इट लीड टू ए लाइफ टाइम सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम। सो कंक्लूजन आप सेल्फ रीड कर सकते हैं इसको। ओके, सो ये सब चीजें मार्केट तो की गई थी कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगी, बट एग्जैक्टली इन्होंने काफी और नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट किया है। इन्वेस्टिंग इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अब आपने एक मूवी देखी होगी अभी राजकुमार राव की आई थी, श्रीकांत बोला, ठीक है, उसमें अच्छे से हाईलाइट किया गया था क्या क्या सोसाइटल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोगों को। ठीक है, उनको जनरली कंसिडर किया जाता है कि यू आर अनवर्दी ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, they face social stigma, marginalization in education and employment and struggle for dignity in society that often fails to provide necessary support and infrastructure.
नो, यहाँ पे हमें पता है कि काफी सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपने एडमिशन तो दे दिया उनको, बट रैंप्स नहीं बने उनकी, व्हील चेयर के लिए वो डिपेंड है दूसरों पर कि कोई उनको आकर हेल्प करेगा मूव करने में, राइट? तो आपने वो चीज़ नहीं की। दूसरा, आपने जॉब्स की बात तो की, लेकिन आपने रिजर्वेशन कहाँ दिया उनको? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती है उसमें उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, और प्राइवेट सेक्टर प्रेफर भी नहीं करता उनको क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपने जॉब दी, रिजर्वेशन दिया 4% का, बट अल्टीमेटली क्या होगा, पूजा खेडकर जैसे लोग, अभिषेक सिंह जैसे लोग, ठीक है, ये सब लोग इनका हक मार ले गए फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाकर। तो सबसे पहला इनके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को देखिए, तो एक रिपोर्ट जारी की गई थी बाय निफ्टी 50, इसने कहा था कि जितनी कंपनीज में इन लोगों ने सर्वे किया, ओनली 5 आउट ऑफ 50 कंपनीज हैव मोर देन 1% ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन देयर वर्कफोर्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ये हाल है, सिर्फ 1% लोगों को विद डिसेबिलिटी जॉब मिल पाती है, और ये भी जब हमने पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही प्राइमरी एम्प्लॉयर है क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन लागू होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फेयर नो बेटर विद लेस देन 1% बींग फुली एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। रैंप्स नहीं है वहां पर, एक्सेसिबल रेस्ट रूम नहीं है, इंक्लूसिव पॉलिसीज नहीं है, बाकी दिस हिंडर देयर पार्टिसिपेशन एजुकेशन एंड सोसाइटी। जबकि लेजिस्लेटिव मैंडेट आपने दिया था अंडर डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है, आपने रिजर्वेशन दिया था जॉब्स में, आपने इंसेंटिव दिया था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जैसे प्राइवेट सेक्टर्स को इंसेंटिव दिए गए, बट ये सब इनएडिक्वेट साबित हुआ। नीड फॉर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, अगर आप यूएसए की यूनिवर्सिटी देखेंगे जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, दे शोकेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टू सपोर्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हालांकि कुछ इंडियन इंस्टीट्यूशन भी अच्छा काम कर रहे हैं जैसे शिव नादर यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, इसने भी सिमिलर प्रैक्टिसेस ही और पॉलिसीज अडॉप्ट किए हैं यूएसए से, बट इवन दीज मेजर्स आर नॉट येट वाइड स्प्रेड और यूनिफॉर्म, सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लागू नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस एंड ग्लोबल मॉडल्स, सो इन एम्प्लॉयमेंट डेस्पाइट द मैंडेट फॉर इंक्लूसिविटी मैनी एम्प्लॉयर्स फेल टू इम्प्लीमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज और एंश्योर ए डिस्क्रिमिनेशन फ्री वर्कफोर्स। ग्लोबल मॉडल्स लाइक ब्राजील, वहां पर भी कोटा दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट में हैंडीकैप लोगों को, और जापान में इंसेंटिव दिए जाते हैं इवन प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को ज्यादा हायर कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल हम लोग भी अपना सकते हैं, ब्राजील वाला तो हमने अपनाया हुआ है, बट प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई नहीं होता ये रिजर्वेशन इनके लिए, और दूसरा ना ही हम प्राइवेट सेक्टर को ऐसे बहुत ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाए। ओके, द पोर्ट्रेयल ऑफ पीडब्ल्यूडी इन सोसाइटी एज ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, जिन पे तरस आता है लोगों, या बर्डन, इट एग्जेसरबेट देयर स्ट्रगल, द लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड स्टिग्मा अटैच्ड टू डिसेबिलिटी प्रिवेंट पीडब्ल्यूडीज फ्रॉम बीइंग थ्रेटन्ड और ट्रीटेड विद डिग्निटी दे डिजर्व। As highlighted by sociologists and writers, the negative representation of PWD is significant barrier to their full participation in society. अब आप ही देख लीजिए ओलंपिक के टाइम पर कितना कुछ आता था, बट अब उसके बाद पैरालंपिक्स चल रहे हैं डिसेबल पीपल्स के, बट देर इज नो न्यूज, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता उस चीज को। ये है डेथ पेनल्टी का जो मैं आपको जस्टिस वर्मा रिपोर्ट डिस्कस कर रहा था। द जस्टिस वर्मा कमिटी रिकमेंडेशन लेड टू अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉस इन 2013 आफ्टर दिल्ली कैंग्रेस, ठीक है, इट सेड दैट इट इज नॉट इंक्लाइंड टू रेकमेंड द डेथ पेनल्टी फॉर रेप इवन फॉर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ठीक है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में भी डेथ पेनल्टी रेकमेंड नहीं करना चाह रहे थे, उनका कहना था कि एक रिग्रेसिव स्टेप होगा, रिफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा फिर ऐसे क्रिमिनल्स को, बट यूनियन कैबिनेट उस टाइम इतना प्रेशर था, वो जो केस हुआ था दिल्ली कांग्रेस उसके बाद, की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि नहीं हम इस लॉ में चेंज कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, और इन्होंने जो अमेंडमेंट किया उसमें प्रोविजंस थे दैट डेथ पेनल्टी फॉर रेप दैट लेड टू डेथ, अगर लड़की की डेथ हो जाती है तो या फिर उसको आप परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि काइंड ऑफ कोमा में अगर उसमें पहुंचा दे रहे हो तो फिर आपको डेथ पेनल्टी ही दी जाएगी, या फिर अगर आप पे रेप के एलिगेशन लगे फॉर मोर देन वंस, सेकेंड टाइम आप रेप केस में अंदर आए हो। फिर 2018 में मोदी सरकार ने भी चेंजेस किए, इट इंट्रोड्यूस डेथ एज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर एवरी पार्टिसिपेंट इन ए गैंग रेप व्हेन द विक्टिम इज लेस देन 12 ईयर ओल्ड। और अजमेर का केस अभी जिसपे सजा हुई है आपने देखा, वो बहुत हॉरिबल केस था, कभी आप उसको गूगल करके पूरा पढ़ोगे आप सच में डर जाओगे उस केस को पढ़ के। एंड लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इफ विक्टिम इज लेस देन 16, अगर 12 साल से कम है बच्ची तो फिर डेथ पेनल्टी होगी आपको, और अगर 16 से कम है तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। जस्टिस वर्मा कमेटी provided that enhanced sentences for rape, increasing it from 7 years to 10 years or 20 years and life, but short of death. तो उन्होंने increase
इम्प्रिजनमेंट की तो बात की थी जस्टिस वर्मा कमिटी, बट उनका मानना था कि डेथ पेनल्टी इज नॉट द सॉल्यूशन। उनका कहना था द डेटरेंट इफेक्ट टू डेथ पेनल्टी ऑन सीरियस क्राइम इज एक्चुअली एक्चुअली व्हाट लॉजिक ही गेव बिहाइंड दिस इज कि अगर हम डेथ पेनल्टी रख देंगे तो सामने वाले को लगेगा अगर मैंने ये क्राइम कमिट कर लिया तो अब तो मुझे फांसी होगी, तो वो विक्टिम को अगर छोड़ भी रहा होगा तो वो उसको जान से मार देगा। ये लॉजिक था इसके पीछे, इनका रीजन था कि इससे शायद हो सकता है कि रेप केस रिपोर्ट करने के लिए विक्टिम को जिंदा ही ना छोड़ा जाए अगर ये श्योर होगा उसको कि उसको डेथ पेनल्टी मिलनी है इस केस में। बट आई थिंक हम आप शायद मेजोरिटी इसी बात से एग्री करेंगे कि ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी ही सॉल्यूशन है। नॉट जस्ट दिस, इवन जो वो बच्चा चोरी वाला जो काम है उसमें भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, वो बहुत सीरियस क्राइम है। आप बच्चे किडनैप कर ले जाते हो लोगों के। देन जस्टिस वर्मा कमिटी ने एक और रिकमेंडेशन दिया था कि मैरिटल रेप में जो एक्सेप्शन है कि अगर आप मैरिड हो तो फिर वो रेप नहीं माना जाता, तो उनका कहना था कि एक्सेप्शन भी हटा दीजिए, यानी कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए। अगर आप अपनी वाइफ के साथ भी फोर्सफुली फिजिकल हो रहे हो तो भी वो रेप माना जाएगा अगर उसकी मर्जी के बिना किया गया तो। बट उसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये था तब की गवर्नमेंट का कि आप किस प्रूफ पर रिलाई करेंगे। अ मैरिड कपल इन अ बेडरूम इज अ प्राइवेट मैटर, ठीक है। अगर कल को किसी वजह से लड़ाई हो जाए या जो भी हो जाए उस वजह से अगर वाइफ एलिगेशन लगा देती है कि देर इज अ मैरिटल रेप, ओके, तो वॉट विल बी द प्रूफ जिन पर आप रिलाई करोगे। ये तो फिर गवर्नमेंट ने वो चीज मानी नहीं थी, इवन मोदी सरकार ने भी इस चीज के अगेंस्ट स्टैंड लिया कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। बट जस्टिस वर्मा कमिटी का कहना था कि ये रेपिस्ट रिमेन्स रेपिस्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद द विक्टिम। द यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट गो बाय दिस रिकमेंडेशन एंड रेफ्यूज टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। ओके, मैरिटल रेप पे मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 15 मिनट्स का हार्डली। आजकल हम लोग जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे उसे हम 15 मिनट सीरीज कर रहे हैं ताकि हर एक टॉपिक का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वाइज अलग प्लेलिस्ट बनी रहेगी। ओके, तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगा। वाई मैनी प्रेफर प्राइवेट डेट टू बैंक लोन्स। आजकल लोग बैंक से लोन लेने की बजाय प्राइवेट डेट क्यों प्रेफर करते हैं? जैसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है, मार्केट से पैसा उठाते हैं। एक तो तरीका है कि वो शेयर इशू कर सकते हैं एक्विटी, बट एक्विटी में उनकी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाती है। अगर मैं अपने कंपनी के आपको 10% शेयर इशू कर दूं, ठीक है, तो फिर आप भी उसमें 10% ओनर हो गए, ठीक है, तो मेरी जो ओनरशिप थी वो डाइल्यूट होकर अब रह गई 90%, तो मैं एक्विटी भी उतनी ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन मैं बॉन्ड प्रेफर करता हूँ, लाइक कि आप मुझे 30 ईयर्स के लोन दीजिए, ठीक है, एवरी ईयर आई विल पे यू से फिक्स अमाउंट ऑफ 10% जितना आप मुझे लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड, ये सब प्राइवेट मार्केट है, आपके प्राइवेट डेट कहते हैं इनको, मैं ये ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द बैंक। तो इसके रीजंस क्या है, पहले एक फैक्ट जान लीजिए कि इंडिया में अभी टोटल क्रेडिट डिप्लॉय जो है लोन वो है $3 ट्रिलियन का, जिसमें से बैंक क्रेडिट अकाउंट फॉर जस्ट 58%। ओके, रेस्ट बाकी जो आ रहा है वो नॉन बैंकिंग जगह से आ रहा है, जैसे NBFC या हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, किसी कंपनी ने अपनी बॉन्ड इशू कर दी जैसे रिलायंस या अडानी ग्रुप ने, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग फॉरेन से हम लेकर आए या फिर प्राइवेट लोगों से हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये फैक्ट इसलिए जरूरी है कि इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी आपसे आजकल पूछ लेता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोन कौन देता है, तो वो तीनों उसने ऑप्शन दे दिए थे, RRBs, कमर्शियल बैंक्स और एक और था कुछ, ठीक है, तो उसको सिक्वेंस से जमाना था। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जितना लोन इंडिया में है क्रेडिट, उसमें से 58% से बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आता है, बाकी सब नॉन बैंकिंग के थ्रू। रीजंस क्या है, बिकॉज बैंक में अप्लाई होते हैं काफी सारे मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन, तरह तरह के रेगुलेशन होते हैं, दे हैव इनएबिलिटी टू एकोमोडेट द वेरिंग, ठीक है, जैसे कोई स्टार्टअप आया तो बैंक नहीं ट्रस्ट करता, ठीक है, रिस्कियर नॉन ट्रेडिशनल नीड्स ऑफ बोरोवर्स, इनएडिक्वेट इक्विटी कैपिटल, कई बार बैंक के पास उतना अमाउंट ही नहीं होता, जैसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, कोई हाईवे बनाना है किसी कंपनी को, लोअर क्रेडिट रेटिंग, अगर किसी कंपनी की 1-2 साल परफॉर्मेंस खराब रही है, उसकी रेटिंग लो हो गई है, तो बैंक फिर उसको लोन देने से दूर भागता है। रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग, कि आप पहले ये बताइए आपका जो प्रोजेक्ट है उससे आपको कितना रेवेन्यू आने की उम्मीद है हर साल, तब हम देखेंगे कि आपको लोन देना है या नहीं, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट फिजिकल कोलेटरल, अगर हमारे पास कोई फिजिकल कोलेटरल नहीं है, एंड फ्लेक्सिबल रीपेमेंट स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था, कंसोलिडेट कर दिया था, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे, उनको मर्ज करते करते सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे पास बचे, और सरकार ने राइट ऑफ किया है करीब करीब $175 बिलियन का बैड लोन। तो यहां पर मैंने आपको प्रॉपर नोट्स दे दिए हैं। अच्छा, ये टॉपिक और देख लीजिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवर कर रहे हैं कि लोग प्राइवेट क्रेडिट ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं। एक है इनएक्टमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, क्योंकि इसमें फिर आपका दिवालिया निकल जाता है, अगर बैंक का पैसा आपने नहीं चुकाया तो वो फिर आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके आपकी कंपनी को ऑक्शन करना शुरू कर देते हैं। क्रिएशन ऑफ NCLT, अगर आपने कहीं से लोन लिया है
बैंक से और आप नहीं चुका रहे तो फिर वो आपको एनसीएलटी में ले जाएंगे। एंड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये वो कंपनीज होती हैं जो आपका बैड लोन परचेज कर लेती हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको छोटे छोटे अमाउंट में सेल करना शुरू करती है। यानी आपका जो भी आपने कंपनी वगैरह बनाई लोन लेके, वो आपका टेक ओवर कर लेती है ये एनएआरसी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और फिर आपके एसेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बेचेगी। जैसे बॉयलर है तो चलो इसको सेल आउट कर दो, ठीक है, लैंड है इसको सेल आउट कर दो, एंड सो ऑन, और पैसा रिकवर किया जाता है। फेवरेबल टैक्स एनवायरमेंट फॉर इन्वेस्टर्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन फॉर सेबी, फैसिलिटेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स थ्रू गुजरात गिफ्ट सिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स क्यों लिए गए, ताकि बैंक पे डिपेंडेंसी कम की जाए लोन की और प्राइवेट मार्केट से ज्यादा मोबिलाइज किया जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट्स दे दिए, वाई मैनी प्रेफर द प्राइवेट डेट टू बैंक लोन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है टर्म्स एंड स्ट्रक्चर में, बैंक की तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, फास्टर अप्रूवल प्रोसेस होता है इसमें, एक्सेस टू लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर बड़े प्रोजेक्ट हैं हाई वैल्यू तो वो फिर प्राइवेट से ही आप मार्केट से उठा सकते हो, वो बैंक के पास उतना नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स, ज्यादा कोई रेगुलेशन नहीं होते प्राइवेट से जब आप उठाते हो तो, बट बैंक्स के साथ काफी कुछ होता है। एकोमोडेटिंग नॉन ट्रेडिशनल बोरोवर्स, यानी कि मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, मैंने पहले लोन नहीं लिया, मैं फर्स्ट टाइम ही ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसको एकोमोडेट नहीं करते हैं इजिली बैंक, उनको डर होता है कि इसका पैसा डूब जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो बैड लोन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिलेशनशिप बेस्ड लैंडिंग, अवॉइडेंस ऑफ डायल्यूशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी कंपनी के शेयर बेचूं, उससे मेरी ओनरशिप डायल्यूट हो जाएगी, एंड अपील टू हाई ग्रोथ सेक्टर्स, जैसे बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, इनकी बात। ठीक है, तो ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, आगे चलते हैं। स्ट्राइक्स इन लेबनन नॉट द फाइनल वर्ड, ये मिस्टर नेतन्याहू ने कहा, यानी कि लड़ाई चलती रहेगी इसी तरह से। चाइना एंड फिलीपींस क्लैश इन साउथ चाइना सी, येट अगेन फिलीपींस को बोलस्टर, फिलीपींस जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसको पूरा यकीन है कि ट्रंप जरूर आएगा, और चाइना भी थोड़ा एग्रेसिव इसलिए हो रहा है ताकि वो फिलीपींस को ज्यादा से ज्यादा डर दिखा के कैसे भी जो भी नेगोशिएटिंग टेबल पे ला के करना है वो कर सके। ठीक है, वो जल्द से जल्द चाहता है कि फिलीपींस के साथ कुछ फाइनल सेटलमेंट हो जाए ट्रंप के आने से पहले, जबकि ये चाहता है कि ट्रंप के आने तक मैं फासले को और ज्यादा बढ़ा दूं, ताकि वो चाइना पे और ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस लगाएगा और मुझे और ज्यादा फंडिंग मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, डिफेंस इक्विपमेंट्स मिलेंगे यूएसए से। ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। एक और काम की चीज है, दैट इज रेड सैंडर्स। लास्ट ईयर भी मैंने आपको पुष्पा मूवी का एग्जाम्पल देके बताया था कि ये नेटिव है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया भी था लास्ट ईयर, हालांकि उसने तीन स्पीशीज के नाम दिए थे कौन सा कहाँ का नेटिव है। ठीक है, तो रेड सेंडर्स के बारे में बस कुछ बातें जान लीजिए। रेयर एंड वैल्यूएबल ट्री स्पीशीज एंडेमिक टू सदर्न ईस्टर्न घाट्स, दैट इज योर आंध्र प्रदेश रीजन, ठीक है, आंध्र प्रदेश एज वेल एज तमिलनाडु। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत डिमांड बहुत ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ इट्स यूज इन फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। IUCN स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड, और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो ट्रेड है वो रेगुलेट किया जाता है, इनफैक्ट बैन भी है काफी हद तक। ठीक है, इट इम्पोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन फेलिंग एंड ट्रेड ऑफ रेड सैंडर्स, एंड द स्पीशीज इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड इट्स एक्सपोर्ट इज बैंड अंडर द साइट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।